दोस्तों ह्वांग जिंग ली और सामो हंग की ये वाहिद मूवी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ह्वांग जिंग ली की जैकी चैन के साथ तो काफी मूवीज हैं और ये अक्सर विलन का ही किरदार अदा करते थे और 80 की दहाई में मार्शल आर्ट्स की मूवीज में इनसे अच्छा विलन का किरदार कोई और नहीं निभा सकता था, क्योंकि ह्वांग जिंग ली एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट हैं और इनके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी किया था, अगर आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसमें तफसीली मैंने इनके बारे में बताया है। तो आज जो मूवी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें ह्वांग जिंग ली सामो हंग के साथ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे और आप भी ये मैच देखना चाहेंगे। तो मूवी का नाम है वेयर इज ऑफिसर टोबा। 1986 की ये मूवी है, हांगकांग एक्शन मूवी है, कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी फ्लिप चैन और रिकी लाओ ने की थी। सामो हंग इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक डरपोक पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो एक क्रिमिनल गैंग के साथ लड़ते हुए मर जाने वाले अपने साजन के साथ ये वादा कर लेते हैं कि वो इनका बदला लेंगे। तो बाद में जब सामो हंग अपने वादे से मुकर जाते हैं तो साजन का भूत इनको सताने लगता है और इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मुदाखलत करता है। तो बिल आखिर इस पुलिस ऑफिसर को गैंगस्टर्स के साथ लड़ना पड़ता है और इस गैंग का जो टॉप फाइटर होता है वो ह्वांग जिंग ली होता है। तो एक अच्छी कॉमेडी एक्शन मूवी है, तकरीबन 1.5 घंटा मूवी की ड्यूरेशन है, अगर आप चाहें तो ये मूवी देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।